बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर हाल ही में दो बच्चों के पिता बने हैं, जिसके चलते वो खबरों में छाए हुए हैं। लेकिन करण से जुड़ी एक और ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल बच्चों के आते ही करण अपनी वसीयत बनाने में लग गए हैं और सुनने में आ रहा है कि करण की वसीयत के दो हिस्से नहीं बल्कि चार हिस्से होंगे। करण जौहर की वसीयत के मुताबिक करण की सारी प्रॉपर्टी उनके दोनों बच्चों के अलावा शाहरुख और गौरी के बच्चों आर्यन और सुहाना के बीच भी बराबर बटेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर शाहरुख और गौरी के काफी करीब हैं और शाहरुख के तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और अक्सर कहते भी हैं कि आर्यन उन्हीं के बेटे हैं। करण ने कहा भी था कि आर्यन और सुहाना उनकी वसीयत के दो गोल्डन मेंबर्स की तरह हैं और उनके बाद उनकी जिंदगी में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आए। करण ने एक बार कहा भी था कि इन सभी को वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं और इनकी सफलता पर एक प्राउड पेरेंट की तरह फील करते हैं। अब देखते हैं कि क्या करण अपने सभी बच्चों में अपनी वसीयत बराबर बांटते हैं और क्या शाहरुख की वसीयत में से यश और रूही का हिस्सा निकलता है या नहीं। जहाँ तक बात करण के दोनों बेबीज की है तो प्रीमैच्योर होने के चलते वे अभी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि यश और रूही का जन्म 7 फरवरी को मुंबई में हुआ था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।